आरोपी के घर पर बुलडोजर का एक्शन अभी जारी है। आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का एक्शन सामने आ रहा है। आरोपी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर का एक्शन। आरोपी के बेकरी का लाइसेंस रद्द होगा। मुख्य आरोपी के बेकरी को सील भी किया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, बुलडोजर चला है बेकरी पर और कहा यह जा रहा है ये वही बेकरी है जहाँ पर 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और अब इस बेकरी को पूरी तरह से गिराया जा रहा है। अवैध तरीके से ये बेकरी बनाई गई थी, इसीलिए बाबा का बुलडोजर यहाँ एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का ये एक्शन जारी है। आरोपी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। आरोपी की बेकरी का लाइसेंस भी अब रद्द कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है मोहित खान। सबसे बड़ी बात ये, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी जो आरोप लग रहा है, जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद का करीबी मोहित खान नाम का ये शख्स है, समाजवादी पार्टी के नेता के नाम से जाना जाता है, पीड़िता को पहले बेकरी में बुलाया, फिर डराया धमकाया, उसके साथ दुष्कर्म किया, गैंगरेप हुआ। जो बेकरी का मालिक है मोहित खान और उसका नौकर, दोनों ने मिलकर 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया, वीडियो बनाया और फिर उस वीडियो के आधार पर बच्ची को बार बार डराया गया, धमकाया गया और एक से ज्यादा बार इस बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। आप देख रहे हैं बुलडोजर का एक्शन यहाँ बेकरी पर और बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। आरोपी मोहित की अवैध संपत्ति पर यह एक्शन जारी है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहा है, दिखा रहा है समाजवादी पार्टी के नेता के करीबी पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। संपत्ति अवैध बताई जा रही है, अवैध तरीके से बनाई गई और यहाँ बुलडोजर चलता हुआ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची के साथ एक से ज्यादा बार गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे पहली बार जब ये घटना हुई, यानी कि मोहित खान ने जब बच्ची के साथ रेप किया तो साथ में जो नौकर था उसने मोबाइल से वीडियो बना लिया। इस पूरी घटना की वीडियो बनाने के बाद बच्ची को धमकाया गया, ये कहा गया अगर किसी से कहा तो जान से मार देंगे और ये वीडियो वायरल कर देंगे, यानी कि बदनाम तुम्हें कर देंगे। बच्ची डर गई और उस वीडियो के आधार पर बार बार बच्ची को धमकाकर उसे बेकरी में बुलाया जाता रहा, गैंगरेप होता रहा। लेकिन एक दिन अचानक बच्ची के पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ, माँ को बताया। माँ जब पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया और यहीं से ये पूरा जो मामला है ये बढ़ता चला गया। अब दबाव के चलते एक्शन भी हुआ है और केस भी दर्ज कर लिया गया है। बुलडोजर जहां बेकरी पर चलता हुआ आप देख रहे हैं तस्वीरों में, साथ ही साथ जानकारी ऐसी भी कि जो थाने का SHO था, थाना इंचार्ज था, दोनों पर गाज गिरी है, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि पुलिस ने भी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, हीला हवाले की कोशिश की। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी समाजवादी पार्टी का नेता कहा जा रहा है, ये मोहित खान नाम का मुख्य आरोपी जो इस पूरे मामले पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी है। साथ ही साथ इसका नौकर भी इसके साथ में शामिल था, जो जानकारी मिल रही है। बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां बेकरी का जो अगला हिस्सा था उसे गिरा दिया गया है, ढेर कर दिया गया है और अब बुलडोजर का एक्शन आगे भी जारी है।